एक मिसाल नहीं जने ता घरों निकलो जा ना कदम खणी मोहे ना बिसा भले ता नालो न था चवाए अरदास में पर जने गुरुद्वारे इंटर थे दा ना गुरु नानक जे समझो के उनी रहमत जे दायरे में जने ऐसा इंटर थियूं दा तो पो चवन जी जाए आए भी ना पो सतगुरु के जितरो समझ में इंदो ना जेको धंधो जेको मन जेको सिर जे जे लायक आ उतरी दात उनके दे छरदा खाली ना है कोई विंदो तो दुआ करे भी अरदास करे भी अजाई ना है विंदी पर यह है कि करे करे जी बाणी फरमान करे दी राग मलार जी शब्द में के चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले बार जी मत चंचल है ना अगर नांग दिस दो उनके पकड़न जी कंदो बाय बर्दी दिस दो उनके भी हाथ भेज दो देखो बार नंडो घूम दो नंडो घर में साल दिन में डेढ़ जो पुछा कंदो रब माफ करे एकड़े तो उन्नी पोस्ट अचे भई भई लाइट जो स्विच जी हेट हों दो भित सा छोकरे चाहे चमच खड़ी करे खान वारो वो उनमें विजय तो बस जी भी देखो आन थेलो उते ही नंढो पूरो थियो इन शयुनि जो भी ध्यान कयो माताओं बैठियो है जा घर में कोई बोर्ड बोर्ड हेठ अगर बार असो घर में नंढो आ उन बोर्ड के बंद कराए छो जा उनके बार के जो ध्यान कयो छोकरो गुजारियो डेढ़ साल तो मुझे चवण जो मकसद साहब माड़ी में मिसाल इंदा चंचल मत बारक पपरे की मुझे मत चंचल आ सर्प अगन कर मिले सर्प माना नांग अगन बाहे उन बिनी के हाथ पकड़ने जी कंदो आ माता पिता कंठ लाए रखे अनंत सह तब खेले माँ पी जी खणी उन बार के परे कंदो आ नांग भी उनके नुकसान इंदो बाहे भी ती मुर्शिद ये सहायता कंदो आ तरस कंदो भगत रविदास साहब महाराज ही पावन शब्द मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा जे ते अरदास कियो ना कुछ घुरू था तो घुरण असो ये हुंदा भगवान पुट दे हाँ पुट नहीं पढ़ाने बिहार से भगवान आनंद के पढ़ाई में पास कर पढ़ाई में पास थियो भगवान आनंद के नौकरी दे नौकरी मिली हुई भगवान आने इनके छोकरी दे छोकरी मिली हुई वरी सर्कल फ्री इंदो भगवान आने इनके पुट दे वरी इनके पढ़ाई में पास कर वरी इनके नौकरी दे वरी इनके छोकरी दे यो सर्कल पी माँ जो डाडे जो यो फिर तो इंदो आई फिर दास इत ही है मनीष कुमार जायो पढ़ाई की पढ़ाई में पास तो नौकरी मिली सही नौकरी मिली हुई हाने छोकरी मिली हुई वरी इनके भगवान इनके पुट दे वो ही कम थी ना सर्कल इत ही फिर दो आसानी साहिबानी में मिसाल ना जाओ मांगे तो मांगे बिया जने भी गुरुदा हिक रब के छले बाकी शे बियो बी शे गुरुदा जाओ मांगे तो मांगे बिया बिया मना बियो जाते कुसल न कब हूं थिया सतगुरु दई फरमाइंदा मम्मा मांगन हार ए आना ई घुरण वाला सब अनजान ना समझ ए तू जरा जरा छाजे लाए घुरे दो तू एक गुरु के घुरे दे सब कुछ पाणी चींद तो हट गुरु अंगद देव महाराज के साहब बाणी में कितना दवा इतिहास में गुरु नानक देव महाराज लिखे ला सत साल गुरु अंगद साहब सेवा के सतगुरु बार बार जन लगे लेना जी कुछ मंग लेना जी तू भी कुछ घुर तू भी वन घर जी ब्याह वनिंदा हाथ जोड़े चही दाता मुझो तो घर ही तू आ दर ही तू आ जिन जो घर हो वो घर बया मुझो तो कोई ना घर आ ना दर आ मुझो तो सब कुछ तू आ अरे ची कुछ ता घुर ची जे वट सारो दाता हो जे वो दात वठी छा कंदो घुरा दुआ जे घर हो जे जे वट दाता हो जे तो जड़ो वो दात वठी छा कंदो ये है पाई लेने जो जीवन केडी कमाल ब्रती तुम जो चवन जो मकसद आ जो मांगे तो मांगे बिया पान तो यही शे घुरदे अगते तो समझ में नहीं दस लेकिन भगत रविदास साहब एक कमाल मृति
बयान किया बाणी के अंदर वृत्ति और भगवान के चैलेंज क्यों थी चैलेंज चैलेंज हालांकि भगत रविदास साहब जन्म न पिया वठन बड़ी थी या चम्यार जी घरवारी के तकलीफ हुई चम्यार जने डिठो हाने मुझी माई मरे थी सोचे हाने दवाइयों कम न थी करन हाने स्वामी रामानंद के वेती क्या अमृत वेले वनी करे स्वामी रामानंद जो अगवर तई दाता मां तो बे औलाद हो तुझी कृपा से मुझे घर औलाद थेने वाली है पर थे थी बड़ी ध्यान मुझी माई तकलीफ में मरे पई मुझे भवा मत माई इन सूर में इन मरिए ने तू हाल दया कर या कोई इलाज दे ताकि बार जो जन्म दे स्वामी रामानंद हाथ जोड़े उन्हीं वे प्रेमी के दिसी करे हाथ जोड़ दो एडो अधीन दिसी करे चैन ठीक आ उए त नाल हुआ पर हाने हलणो पोंदो छो जो यो असा नाल दासी जन्म वड़दो भी कोन स्वामी रामानंद साहब बारो आयन घर जे और अचन आवाज नो मुर्शिद न बेटा तू जन्म वठ असा जो तोसा वचन आ जी तू पिछले जन्म भक्ति किया ती इन जन्म में तो के नाम याद रहंदो मुर्शिद वचन लेनो चुनन जी स्वामी रामानंद चई रवाना थे आज जन्म थे पर चम्यार पुछे भई छा माजरो हो चीन के भव थे पियो मैं जन्म वठा मतलब मुके नाम विसरी वने और मैं दुनिया में लगी वने मुको मुर्शिद विसरी वने ता मां जन्म अजायो हलो वेंदो इंजे करे सी वचन दिना तो के माया टच न करे सकती गुरु अर्जुन देव महाराज जी वजाहत करंदा रविदास ढोवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया गुरु अर्जुन देव महाराज वजाहत करंदा एक परसेंट भी माया टच न करे सकी उनके तिन करे रविदास साहब महाराज जीवन में शब्दन में बार बार इन शय जी झलक प्रगट थे।